ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि आपको पता है, अभी ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं बाइक लिए हुए एंड मीटर चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 600 होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं पहली सर्विस करवाने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड ने क्लेम किया था कि पहली सर्विस फ्री होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं, कितना बिल लगता है। तो अभी चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं आपसे। तो अभी तक एज सच मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई है बाइक में, मतलब जितना 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्रिवन हो चुका है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। तो मुझे नहीं लगता था नीड है सर्विस की, बट देयर इज़ अ कंपनी गाइडलाइंस की 500 से 700 तक करवा देनी चाहिए, तो मैं उसी नज़र में जा रहा हूँ ताकि कोई फ्यूचर में कोई इशू ना हो। बाय द वे, इस टाइम पे आई डोंट नो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि आई डोंट हैव अ गोप्रो राइट नाउ, ना कोई माइक है। बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि सून आई विल डू मोटो व्लॉगिंग। सभी चलते हैं पहले एंड मिलते हैं सीधे से शोरूम में, आगे डिटेल्स देते हैं आपको। तो अभी कुछ बेसिक एंट्रीज हम कर रहे हैं, बिलिंग वगैरह पहले क्या क्या लगने वाला है वो। सो अभी सबसे पहले एयर फिल्टर क्लीन होने वाला था, मतलब हो चुका था, बट बिकॉज चेक कर रहे हैं क्योंकि मैं अंदर बैठा था वहाँ पे एंड जब तक यहाँ पे बाइक खुल गई है, चेक कर सकते हो, ऑयल भी निकल चुका है सारा। अगर एयर फिल्टर चेक करवाता हूँ, ये क्लीन हो गया है इसकी, ये जो है ना ये वॉशर, इसको भी तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, वॉशर होती है यहाँ पे ये वाली, ठीक है। ये एक बार ये सब फिल्टर है तो क्लीन करने की जरूरत है, ये परफेक्ट है, ठीक है सर, पूरा साफ है, कहने का खतरा नहीं आता, कुछ नहीं आता। ओके, ये भी क्लीन है पूरा तो सब फिल्टर ऑलमोस्ट क्लीन था, तो इसको हमने साफ नहीं कराया, अब बाकी फिल्टर चेंज करवाएंगे हम। तो अभी हम करेंगे ऑयल फिल्टर की एक बार चेकिंग, ऑयल फिल्टर खुल रहा है, भैया खोल रहे हैं ऑयल फिल्टर, देखते हैं उसका क्या हाल होने वाला है। वैसे तो पहली सर्विस में चेंज ही करवाना सही रहेगा, चाहे थोड़ा सा बुरा हाल हो या ज़्यादा ख़राब हुआ हो उसका, एंड पे वॉश भी करवाऊँगा भाई, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई है इसकी, 10 दिन से वॉश नहीं किया एंड कल परसों भी ट्रिप मारा था बारिश में, तो उस वजह से भाई काफ़ी ख़राबी हो गई है कि शाइन एकदम वापस लाएंगे आज धो के इसको। सो यहाँ से फिल्टर अभी चेंज हो रहा है, इसमें खोलने में काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि ये क्रैश गार्ड ओपन नहीं हो रहा था पहले, तो अभी यहाँ से चेक करेंगे, ऑयल तो लीक होने लग गया, निकल गया बाहर, तो देखते हैं। फिल्टर तो चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर चेंज ही करना पड़ेगा ना, चेंज होएगा फिल्टर, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास ऑयल, 1800 ml है ऑलमोस्ट, ये 1700 लगता है लेकिन 1800 रखा हुआ है हमने यहाँ पे। बाकी यहाँ पे फिल्टर अभी चेंज होने वाला है क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल था, वो दिखा दिया यहाँ रखा हुआ है फिल्टर, तो ये भी चेंज होगा। बाकी तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितना बजट बनता है एंड पे, एंड कितना डिस्काउंट होता है, कितना सर्विस चार्ज लगता है, वो सब आपको मैं एंड पे बताता हूँ। ये रहा इसमें ऑयल, ये 1800 ml ऑयल जाने वाला है अभी इसके अंदर, चेक कर सकते हो यहाँ पर ऑयल एकदम पूरा लेवल पर आ गया, ये ठीक है, मतलब ये कम हो जाएगा तो ऑयल का दिक्कत हो जाती है ना, ऑयल हो गया फुल यहाँ पे, मतलब जो 1700 ml डालते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 100 ml एक्स्ट्रा डाल दो ताकि लेवल मेंटेन रहे। देखो नट हमेशा ऐसे टाइट करना कपड़े में पकड़ के ताकि ना उसमें निशान ना पड़े, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स नहीं करते हैं बट भैया ने किया है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी नट वगैरह सारे हमने टाइट करवा दिए, एवरीथिंग इज़ डन फ्रॉम दिस साइड। अब रह गया चेन, उसको हम करवाएंगे, पहले इसको वॉश करवाएंगे, यहाँ अंदर जाएगी वॉश होने के लिए, उसके बाद हम इसको चेन का काम करवाएंगे एंड फिर यहाँ से सीधा निकलते हैं। बाइक बिल्कुल एकदम वॉश होके आई है, अब चेक मारो क्या लग रही है इस टाइम, एकदम चमक रही है बाइक हमारी, ये देखना। अभी ग्रीस हो गई इसकी, मतलब ऑयलिंग, सो लास्ट में रह गया था ऑयल इसका चेन का काम, इसको एकदम वॉश कर रहे हैं अभी, चेक मारो आप। बाकी मैं तो कलर को देख के देखता हूँ कि कितनी सुंदर लग रही है, और इतने दिन से इतनी बेकार लग रही थी ना, डस्टी डस्टी इस पर। तो ये है कोई स्लिप दे रखी है इनने, ये अभी सबमिट करवानी है, फिर पहले बिल करवाएंगे अपना। सो ये है हमारा बिल ऑलमोस्ट जो है 978 का, बट थोड़ा सा हाई, इसमें बस जो लुब्रिकेशन के पैसे हैं ना वो मुझे नहीं लगता कि डिजर्विंग का, जो 200-250 रुपये करने बिल बनाया उसका। बाकी अभी अपनी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है डन, नेक्स्ट सर्विस तो 5000 किलोमीटर पे होगी, आई डोंट नो वो 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में कब हो जाएगा 5000 किलोमीटर। तो अभी शाम हो चुकी है एंड यहाँ से चलते हैं। सो ये वाले भैया, इनने हमारी बाइक का सारा काम किया, थैंक यू भैया, बड़े बढ़िया थे। दोबारा ASA राइडर्स आओ तो इन्हीं के पास होना, क्या नाम है, साजिब भैया, इनके पास। तो बस चलते हैं अभी यहाँ से एंड निकलते हैं। ओके भाई, बाय बाय। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द बाइक, जो बिल्कुल अभी एकदम चमक रही है।
तो भैया गेट पास है, ये भैया को देते हैं और निकलते हैं यहाँ से एंड चेक। सो फाइनली गाइज अभी हम निकल चुके हैं वापस, एकदम हाईवे पे आ गए हैं। मैं बता नहीं सकता आपको कि बाइक कितनी स्मूथ चल रही है अभी, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। ऑल दो पहले भी बहुत प्यारी चल रही थी, कोई डाउट नहीं उसमें, बट अभी ना एकदम थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड फील हो रहा है इंजन मेरे को। वैसे इसका इंजन रिफाइंड है बट इसमें अभी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो अभी चलते हैं वापस, थोड़ा सा काम है मेरे को, वो काम ख़त्म करते हैं। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। फर्दर अगर आप मोटर व्लॉग चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मोटर व्लॉग स्टार्ट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डेफिनेटली जल्द से जल्द मोटर व्लॉगिंग सेटअप करके मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बाय बाय।